ऐसे आया यदि बजाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। जो आज का हमारा लेक्चर है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो हम शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, सवाल है जी, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सेक्टर और इकोनॉमी। अ ह्यूमन रिसोर्स इज अ सिंगल पर्सन और एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू ऑल ऑफ द पीपल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करें उनको उस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स कहा जाएगा, और इनको मैनेज करने वाली स्किल को या डिपार्टमेंट को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट that is overseeing various aspects of employment such as compliance with labor law and employment standards, administration of employee benefits, some aspect of recruitment and dismissal. Human resource management. Human resource management is a strategic approach to the effective management of organization work so that they help the business gain a competitive advantage. Commonly known as the HR department, it is designed to maximize employee performance in service of an employee's strategic objectives. HR is primarily concerned with the management of people within the organization, focusing on policies and system. HR department are responsible of overseeing employee benefits, design employee recruitment, training and development, performance and appraisal and rewarding. Basically, a human resource department या मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसकी जो जिम्मेदारियां है वो इस साइड में डिस्कस की गई। इस टाइम सीआर मौजूद है क्लास में? इस टाइम सीआर मौजूद है क्लास में? जिन लोगों के पास सीआर का कांटेक्ट नंबर है उसको एक तो क्लास में बुलाएं और उसको कहें कि मुझसे कांटेक्ट करें। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ से ऑनवर्ड जितनी हम स्लाइड्स पढ़ेंगे उनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मॉडल्स को डिस्कस किया गया। जो आपका पेपर का क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई एटलीस्ट 4 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स। Model of human resource management constitutes a broad collection of features. In this section, we will discuss only some features silent for software engineering. Model of human resource management. सबसे पहला मॉडल है जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव इन स्टाइल। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज। देयर ड्यूटीज इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग नंबर ऑफ staff, maximum utilization of personnel, development of education of employees, a projection of future staff need. जो पहला मॉडल है वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव इन स्टाइल, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो टीम है वो जो ये चार पॉइंट्स बताए गए हैं इनको फोकस में रखेगी, लेकिन बेसिकली वो चार ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उनको पूरा करना चाहेगी कि कोई भी एम्प्लॉय वो लॉन्ग टर्म हो उसको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जाए, उसका जो इस्तेमाल है वो उस जगह के हिसाब से बेहतरीन हो। और आखिरी है जी प्रोएक्टिव इन स्टाइल, वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो प्रोएक्टिव हो, क्रिएटिव हो, यानी लोग उस एनवायरनमेंट में काम करने पे खुशी महसूस करें,
कंपनी की वर्किंग एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करें और उसको अप्रिशिएट करें। फिर दूसरा है जी कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू अप्रोचेस, कंप्लीट कंट्रोल थ्रू रिलायंस ऑन द रूल्स गवर्निंग द एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरिंग एम्प्लॉय विद स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। रियल चैलेंज इज टू शिफ्ट एम्प्लॉय एटीट्यूड फ्रॉम मेयरली कंप्लायंस विद रूल एट वर्क टू कमिटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। स्किल इज नाउ नॉट मच द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय बट देयर क्वालिटी इज इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनी एंड वर्क रेट। जो दूसरा मॉडल है इसमें एम्प्लॉय को कंपनी के साथ लॉयल बनाने के ऊपर ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और कहा जाएगा कि जी आपने कंपनी के साथ लॉयल होना है। अब अगर कंपनी के साथ कोई लॉयल है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो अटेंडेंस में अच्छा हो, वर्क फोर्स में यानी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो मल्टीपल काम इकट्ठे कर सके, जिम्मेदारी के साथ कर सके, डिसिप्लिन हो, जब भी उसको के टास्क साइन किया जाए वो उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से सरंजाम दे। उसके बाद है जी आइडेंटिफिकेशन द कंपनी, कंपनी को ओन करे और अपना वर्क रेट इंप्रूव करे। ये कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है। उसके बाद है जी सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन सेल्फ डायरेक्टेड वर्क प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस वर्कफोर्स। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो अपने स्कोप से बाहर निकल के कोई काम करे। जब उसको नौकरी ऑफर की गई थी तो उसको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी गई। जब उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी गई थी और कहा गया था कि आपने ये काम करना है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट जब तक वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है उसका स्कोप है सिर्फ वही काम करने का जो उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दिया गया था। अगर वो उसे बाहर निकल के कोई काम करता है उसको ना कोई रिवॉर्ड देगी कंपनी, ना उसको कोई एप्रिसिएशन उसकी होगी। तो सिंप्लीफाई सेल्फ मैनेजमेंट में कंपनी एनकरेज करती है लोगों को कि सिर्फ आप वही काम करें जो आपको असाइन किया गया, आप किसी और काम किसी और के काम में टांग ना अड़ाएं। उसके बाद है जी सेल्फ मैनेजमेंट। देर आर टू वेरिएशन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ऑल द वर्कर्स मैनेज द एंटरप्राइज डायरेक्टली थ्रू असेंबलीज। Workers exercise management function indirectly through the election of specialist managers. The goal of self-management is to improve performance by granting workers great autonomy in the day-to-day operations, boosting morale, reducing alienation, and when paired with employee ownership, eliminating exploitation. ये self-management जो हमने पीछे slide पढ़ी उसी का हिस्सा है। उसके बाद है जी यूनिटरी पर्सपेक्टिव। यूनिटरी पर्सपेक्टिव का मॉडल ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका वॉल्यूम या साइज बहुत बड़ा हो उसमें छोटे छोटे यूनिट्स बन जाते हैं। इसकी आप मिसाल फौज की भी ले सकते हैं जिसमें उनकी कोर होती है, ये EME कोर है जी, ये कोई और कोर है। तो वो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे यूनिट्स होते हैं उनका मकसद अपने यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट है। जो यूनिट का हेड है वो जिम्मेदार है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे सोचे, लेकिन जो उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ जिम्मेदार हैं उन चीज़ों को करने और बेहतर तरीके से सरंजाम देने का जो यूनिट का हेड उनको असाइन कर दे। उनको कंपनी को ऊपर बढ़ाने की या ऊपर उठाने की जिम्मेदारी सबसे लोएस्ट स्टाफ पे नहीं आएगी। सबसे लोएस्ट स्टाफ पे यही जिम्मेदारी आएगी कि वो अपने यूनिट की परफॉर्मेंस अच्छी रखें। The unitary perspective is based on the assumption that the organization is an integral group of people with single authority loyalty structure and a set of common values, interests and objectives shared by all members of the organization. Management's prerogative is regarded as legitimate, rational and accepted, and any opposition to it is seen as irrational. There is no conflict between the interest of those supplying capital to the enterprise and their managerial respective representatives and those contributing their labor. The underlying assumption of this view is that the organization system is in basic harmony and conflict is unnecessary and exceptional. Management clings to its views because it legitimizes its authority role by protecting the interests of management and employees as being
at the same end by emphasizing management role of the governing in the best interest of the organization as a whole. It reassures managers by confirming their conflict where it exists is largely the fault of the government rather than the management. Flexible work roles. इस मॉडल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो मुख्तलिफ ममालिक में छोटे छोटे लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है और वो अपने छोटे जो मॉडल्स जो अपने छोटे यूनिट्स हैं उनको इजाज़त देती है कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर लें लेकिन कॉमन गोल्स के साथ, कॉमन परफॉर्मेंस गोल्स के साथ। तो इसका मॉडल का हिस्सा डिसेंट्रलाइजेशन है। सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी ये मॉडल एग्जिस्ट करता है क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है वो रीजनली बाउंड नहीं होते, हेडक्वार्टर सिंगापुर या अमेरिका में हो सकता है लेकिन डेवलपमेंट सारी इंडिया या पाकिस्तान में होगी या वियतनाम में होगी या उन मुल्कों में जहाँ पे जो लेबर है वो चीप है। इसकी दूसरी मिसाल जो खाने पीने के अंदर अगर हम देखें, मैकडोनल्ड और KFC बेशक इनके हेडक्वार्टर वही बात है कि सिंगापुर या अमेरिका में होंगे लेकिन ये रीजनली ऑपरेट करेंगे और रीजनली इनको परफॉर्मेंस टारगेट दे दिए जाएंगे लेकिन ये इनके पास अटोनमी भी एग्जिस्ट करेगी तो ये रीजनली अपनी कोई फ्लेवर ला सकते हैं, अपना कोई वेरिएशन ला सकते हैं मेन्यू में। अच्छा जी, आइडिया बिहाइंड फ्लेक्सिबल वर्क रोल इज दैट रादर देन ऑर्गेनाइजिंग idea behind flexible work roles is that rather than the organization being centralized with job role formally defined, the roles should be flexible with devolution of decision making it making and fluid organizational structure. Four main characteristics of management structure of well established firms are motivation and retain technical talent, decentralization, user authority structure and matrix organization. ये कुछ फीचर्स हैं इस मॉडल के। उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज द एक्सटेंट टू विच अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड इफेक्टिवली फॉर द मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर जो मैनेजर है या HR डिपार्टमेंट का हेड है वो कम से कम लेबर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करेगा, यानी कि तीन चार जो लोगों की जॉब्स होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो एक ही एम्प्लॉय से वो कंप्लीट करवाएंगे। इस वजह से ये मॉडल है तो एग्जॉस्टिव, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है लेकिन जब एक दफ़ा कोई भी एम्प्लॉय एग्जॉस्ट हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो देखा यह गया कि जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, नया सॉफ्टवेयर हाउस बनता है, वहाँ पर ये मॉडल शुरू में कामयाब होता है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल टास्क करना ज़रूरी होते हैं लेकिन लोग कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी रेवेन्यू में वो डेडिकेटेड बंदे हायर करेगी डेडिकेटेड टास्क के लिए। यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तब भी बता दें। अच्छा क्लास, जो मैं आप लोगों के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया है और वो जो यूट्यूब का लिंक है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा करेक्टर स्ट्रिंग है, मैंने उसको ना शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा तो उसके लिए मुझे 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। मैं फिर यूट्यूब वालों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मुझे शॉर्ट URL दें, तो मैंने बाकी क्लासेस को भी कहा, उन्होंने भी उसको सब्सक्राइब किया, तो आप मुझे हेल्प करें ये इसके 100 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाने के लिए ताकि मैं शॉर्ट URL रिक्वेस्ट कर सकूं। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन अब एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको और आपके घर वालों को अल्लाह पाक ने अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा है। खुदा ना खास्ता अगर किसी पर मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे और अपने दोस्तों को, क्लास फेलोज को, रिश्तेदारों को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मोमेंट जो है वो ना उम्मीद नहीं होता, तो आपने ना उम्मीद नहीं होना। तो इंशाल्लाह हम कल इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम सेक्शन 3 कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।